नमस्कार, देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले देखेंगे खबरों की सुर्खियां। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने किया करोड़ों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण, नई सड़क और बाईपास मार्ग को मिली स्वीकृति। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने कराया भारत बंद, सत्ता पक्ष ने बंद को नकारा, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दिया समर्थन। डॉक्टर रमन सिंह बोले, देश की सबसे बड़ी और शक्तिशाली पार्टी होगी भाजपा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से मिली नई ऊर्जा। और श्री कृष्ण संवाद पर हुई प्रतियोगिता, संस्कार भारती ने बढ़ाया प्रतिभागियों का मनोबल। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सोमवार को केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भिलाई में नेशनल हाईवे 53 पर होने वाले कार्यों की आधारशिला रखी। इस दौरान गडकरी ने रायपुर दुर्ग बाईपास की 92 किलोमीटर की परियोजना की नींव रखी। बता दें कि इस हाईवे में 4 फ्लाईओवर बनाने की योजना सरकार की है। अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान गडकरी ने 4,239 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। भिलाई के कार्यक्रम के बाद वे वापस माना विमानतल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में कांग्रेस ने भारत बंद का ऐलान किया, जिसे कुछ पार्टियों ने समर्थन दिया तो किसी ने बुरा भी नहीं कहा। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंद को पूरा समर्थन दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस बंद को नकारती भी नजर आई। कांग्रेस ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत को लेकर भारत बंद ऐलान किया है। इस बंद के मद्देनजर कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आई। सुबह से ही कांग्रेसी सड़क पर उतरकर बंद को सफल बनाने में जुटे रहे, लिहाजा रायपुर में स्कूल बस और यात्री बस दोनों का परिचालन काफी प्रभावित रहा। इसके अलावा रोजाना चलने वाले ऑटो भी बंद के चपेट में आते दिखाई दिए। कई स्थानों पर ऑटो के पहिए थमे दिखाई दिए। वहीं पेट्रोल पंप की कई जगहों पर बंद करने का फैसला मालिकों ने निजी तौर पर लिया है। सभी पंपों को शाम 4 बजे तक बंद रखने नोटिस भी चस्पा किया गया। इधर उपद्रव की आशंका के मद्देनजर कई निजी स्कूलों ने भी छुट्टी की घोषणा की है। खासकर राजधानी के कई निजी स्कूलों ने बंद के मद्देनजर स्कूल बसों को नहीं भेजने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी कांग्रेस के महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत को लेकर बुलाए बंद का समर्थन किया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने साफ कहा कि महंगाई की वजह से आम व्यापारी भी काफी परेशान है, लिहाजा व्यापारियों के हित को देखते हुए चैंबर ने एक बंद को समर्थन दिया है। क्या हम लोग के पास कांग्रेस कमेटी का लेटर आया हुआ था और उन्होंने 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का समर्थन मांगा था। तो हम लोग को क्या है, हमारी 115 एसोसिएशन है चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों को हमने आमंत्रित किया, उन लोग के साथ बैठक की, उन सब ने मिलकर के समर्थन दिया। तो उन्होंने समर्थन दिया मतलब हमने समर्थन दिया, और जब चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया तो स्वाभाविक बंद रहता है। बिल्कुल, ये आम जनता को, व्यापारी को, सबको इसमें पेट्रोल भरवाना पड़ता है। सब पूरे व्यापार में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल से जितने ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ गए हैं, और सभी आम आदमी को भी पेट्रोल भराना, सबको असर हो रहा है, सब परेशान है, महंगाई बढ़ी है, इसलिए ये बंद सफल हुआ क्योंकि सभी इससे त्रस्त है महंगाई से। भारत बंद के समर्थन में उतरे कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में बंद को सफल बताया। पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने भारत में बढ़ रहे पेट्रोल पदार्थ के दाम के लिए केंद्र की सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराया है। उन्होंने पड़ोसी देशों का हवाला देते हुए प्रदेश में वैट टैक्स कम करने के साथ ही पेट्रोल और डीजल में सरकार से GST लगाने की मांग भी की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण से मूल्य वृद्धि बढ़ रही है बोलते हैं, तो फिर श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भूटान में, पाकिस्तान, जो हमारे सब पड़ोसी देश हैं, वहाँ क्यों कम है? और जब 106 डॉलर प्रति बैरल कीमत थी, तब 73 रुपये में डीजल पेट्रोल मिल रहा था, और आज 73 डॉलर प्रति बैरल है, तो लोगों को सस्ता मिलना चाहिए। 40 डॉलर था तब सस्ता नहीं बेचे लोग, महंगा बेच रहे थे। ये तो जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। 11 लाख करोड़ रुपया आम जनता से इन्होंने वसूला है। वहीं भारत में लगातार पेट्रोल पदार्थ के बढ़ते दामों पर जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारत बंद का ना तो समर्थन करती है और ना ही विरोध। अभी तो एक ऐसा विषय है
जिसको केवल कांग्रेस ने नहीं पर बहुत सी पार्टियों ने और बहुत से संगठनों ने उसका समर्थन किया है। हम सब पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से आहत हैं और इसीलिए आम जनता भी आहत है। इसलिए आज के बंद को कांग्रेस की सफलता के रूप में आप देखे हैं, मैं ऐसा करने से सहमत नहीं। नहीं, हम ना हमने समर्थन दिया है ना विरोध किया। इधर सोमवार को हुए पूरे देश में बंद का भाजपा ने विरोध किया। भाजपा प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि व्यापारी वर्ग केवल आंदोलनकारियों के डर से ही अपने व्यापार को बंद रखी है। साथ ही सुंदरानी ने पेट्रोल पदार्थ के बढ़ते दामों को क्रूड ऑयल के बढ़े हुए दामों से जोड़ा है। उनकी माने तो यूपीए सरकार के राज में भी दाम बढ़े थे, लेकिन मोदी राज में दाम कम भी हुए, ये विपक्ष को दिखाई नहीं देता। देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना ये हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, भारत सरकार के हाथ में नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए ये दोनों घटनाएं एक साथ होने के कारण बढ़ रहा है। ये थोड़े दिनों की बात है, आप देखिएगा एक डेढ़ महीने के अंदर वापस कम होना चालू हो। बहरहाल अरसे बाद ये मौका आया है जब विपक्षी पार्टी के बुलाए बंद का चैंबर ने समर्थन किया है। इधर पुलिस के द्वारा बंद के दौरान व्यापक इंतजाम किए गए थे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ साथ कई स्थानों पर पेट्रोलिंग पार्टी को भी तैनात किया गया था, जिससे कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ। भारत बंद का कितना असर सार्थक होता है ये तो समय ही बताएगा। हालांकि शाम 4 बजे के बाद राजधानी में आम दिनों जैसे चहल पहल शुरू हो गई और आम लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस कनिष्क के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें कहा कि पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है, जिसमें सबसे ज्यादा डॉलर की कीमत रुपए के ऊपर नीचे होने से पेट्रोल पर भी प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी को प्रदर्शन करने से रोका नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे थे। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा पेट्रोल पर वैट की दरें 4% कम किए जाने पर सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वैट लगता है और पेट्रोल और डीजल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत के गिराव और उतार और चढ़ाव से इसकी कीमत में कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। आज रुपये की कीमत में कुछ कमी आई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिख रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे रुपये की स्थिति सुधरेगी बाजार में और पेट्रोलियम का कीमत में गिरावट होगा तो इसमें सुधार आएगा। हमारा वेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम। कांग्रेस समर्थकों ने राजधानी के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पंडरी, तेलीबांधा चौक, जयस्तंभ चौक सहित कई चौक चौराहों पर बंद कराया। इसके बाद कांग्रेस के नेता जयस्तंभ चौक पर इकट्ठे होकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही व्यापारियों ने भी बंद सफल बनाने का आह्वान किया। देश टीवी की टीम ने जब बंद का समर्थन कर रहे कांग्रेसियों से रूबरू किया तो कांग्रेसियों ने पेट्रोल पदार्थ के बढ़ते दामों का सारा ठिकरा केंद्र सरकार के पाले में फोड़ दिया। साथ ही राज्य सरकार पर भी जमकर नाराजगी भी दिखाई। आज कांग्रेस और विपक्षी दल कुल मिलाकर भारत बंद के लिए जुटी हुई है। भारत बंद का मुख्य कारण है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को रोकना। हमारे साथ पूरे कांग्रेस के दल के नेता शामिल हैं, पूर्व डीसीसी अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी हैं और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी भी हैं साथ में। हम उनसे चर्चा करते हैं कि कुलदीप जुनेजा जी से हम पहले बात करते हैं कि ये जो आज जो भारत बंद जो कांग्रेस ने समर्थन दिया है, किस तरह से इसका मिल रहा है, क्या है, कारण क्या है इसका? पूरा भारत बंद है और पूरा समर्थन मिल रहा है, लोग स्वयंपूर्त होकर समर्थन दे रहे हैं। आज हम लोग सुबह रायपुर में 5 बजे से घूम रहे हैं, विकास उपाध्याय जी, हम लोग सब पूरे टीम साथी लोग सब घूम रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमको ऐसा कहीं जबरदस्ती बंद कराने की नौबत नहीं आई, ना किसी को बोलना पड़ा, क्योंकि लोगों के मन में आक्रोश है इस सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार का दोहरा चरित्र है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जब थे वे पिछले सदस्य कार्यकाल में, अपने मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ रायपुर से साइकिल में विधानसभा गए थे, उस टाइम पेट्रोल की कीमत 54 रुपये दिखा ली और आज 80 रुपये है पेट्रोल की कीमत। आप बताइए कितना फर्क है। आज मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों को दिखता नहीं है, आज सोए हुए आराम से। जनता इनके वोट देकर पछता रही है, जनता धोखा खा गई है और इस बार चुनाव में जनता इनको बताएगी। भारत बंद के लिए आपने बहुत ज़्यादा जो पहल किया है उसके लिए लगातार जो घूम रहे हैं, क्या मिल रहा है समर्थन, किस तरह से दिखाई दे रहा है लोगों का आम समर्थन क्या? देखिए, आम आदमी
राहुल गांधी के ये आंदोलन, कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया। जिस प्रकार से आज भारत बंद का स्वरूप दिख रहा है, स्वयं छोटे छोटे व्यापारी जो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो चलाने वाले लोग हैं, इन लोग स्वयं अपनी गाड़ियों को, अपनी दुकानों को बंद करने का काम किया। मतलब कहीं ना कहीं एक आम आदमी की परेशानी है। पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस में जिस प्रकार से बेहताशा वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की ये दोगली सरकार ने, मोदी की सरकार ने की है, ये अपने आप में बड़ी सोच का विषय है। भाजपा का ये कहना है कि ये जो दर जो है वो सरकार इसका निर्धारण नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार किया जाता है, तो ये कहाँ तक सही? देखिए, जब यूपीए की सरकार थी, कच्चे तेल का भाव विश्व बाजार में बहुत बड़ा था, फिर भी यूपीए सरकार कम कैसे करके आम आदमी पर बोझ मत पड़े उसको कम रेट बढ़ाती थी। लेकिन अब जब एक तिहाई रेट कम हो चुका है, उसके अनुपात में भारत के अंदर में पेट्रोल डीजल की कीमतें 25 से 30 रुपये लीटर होना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पैसे को चुनावी फंड के नाम से इकट्ठा करना चाहती है, इसीलिए आम आदमी के जेब में डाका डालने का काम, आम आदमी को लूटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे साथ व्यापार प्रकोष्ठ के, कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं कन्हैया अग्रवाल जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि व्यापारियों को किस तरह से दिक्कत हो रही है, जो मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, क्या वही कारण है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से यदि सबसे ज़्यादा फर्क किसी पर पड़ता है तो सीधे तौर पर व्यापारियों पर पड़ता है, क्योंकि हमको उपभोक्ताओं से सामना करना पड़ता है। जब डीजल के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है, और उपभोक्ता से जब सीधा सामना होता है महंगाई बढ़ने का कारण, वो चूँकि अदृश्य कारण है, सीधे तौर पर नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन तमाम वर्गों में जो है पेट्रोल डीजल का महंगाई का असर है। और इसी असर के कारण आज रायपुर शहर केवल व्यापारियों ने बंद किया, ऐसा नहीं है, आम जनता भी इस बंद के समर्थन में और शहर में निकली हुई है। सर, तो क्या दिखता है कि इसमें पूरी तरह से समर्थन में है और सरकार इसमें क्या झुकेगी? 100% बंद सफल है ऐसा बहुत दिनों बाद देखने मिला है, जब शहर के बाहर बाहर की बस्तियों की तक दुकानें बंद है, सरकार को झुकना पड़ेगा। जैसे कि अब जाना गया है कि राजस्थान में वैट टैक्स को कम कर दिया गया है, अब छत्तीसगढ़ की बारी है, मध्य प्रदेश की बारी है। अब हम राजू तिवारी जी से बात करना चाहेंगे कि राजस्थान में जो वैट टैक्स को कम कर दिया गया है, क्या छत्तीसगढ़ में भी कम किया जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ में 25% वैट टैक्स के नाम पर डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार उत्पादक पेट्रोलियम पदार्थ पर लेती है। इसके अलावा 1 रुपये अतिरिक्त कर सन निर्माण कर्मकांड मंडल के नाम पर यह सरकार लेती है। आज राजस्थान में 4% वेट टैक्स कम करके भारतीय जनता पार्टी अपने पीठ थपथपाने का प्रयास न करें। अगर छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के मुखिया को छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति इतनी संवेदना होती, उनकी महंगाई की आग में जलने की चिंता होती, तो ये दाम आज वो कई महीने पहले पूर्व कर दिए होते कम। परंतु डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी एक व्यापारिक सोच की पार्टी है, आमदनी और मुनाफा उनकी मुख्य नियति में रहता है, इसलिए ये किसी भी प्रकार के जनता की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं, और लगातार महंगाई की आग में उनको झुलसने के लिए उन्होंने छोड़ रखा है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो रायपुर का हृदय स्थल है जयस्तंभ चौक, यहाँ पर पूरी तरह से सभी विपक्षी दल के नेता और सब शामिल हैं और भारत बंद को सफल बनाने के लिए पुरजोर समर्थन भी कर रहे हैं। इसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल हैं जिन्होंने इस बंद का पुरजोर समर्थन किया है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य। भारत बंद के दौरान जहां राजधानी में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं सड़कों पर आवाजाही भी कम देखने को मिली। केवल स्कूल कॉलेजों को यदि छोड़ दिया जाए तो आम जनजीवन पर बंद का असर आंशिक पाया गया। देश टीवी की टीम ने राजधानी के कई इलाकों में अपनी टीम के साथ दौरा किया तो पाया कि बंद से आम नागरिकों को परेशानी तो हुई है, जिससे वे आंदोलनकारियों पर खासे नाराज भी दिखाई दिए। हमारी टीम ने कई वाहन चालक, व्यापारी और आम जनता से भी बंद के संबंध में जानकारी ली तो मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आई। किसी ने बंद का समर्थन किया तो किसी ने बंद को साफ तौर पर राजनीतिक कहकर नकार भी दिया। अब आप ही देखिए कि लोग क्या कहते हैं। भारत बंद आज राजधानी में बहुत व्यापक नजर आ रहा है, चारों तरफ जो दुकानें हैं, दुकानें पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक पार्टियां इस पर पूरी तरह से कारगर नज़र आ रही हैं। हम आम जन से बात करते हैं कि पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो कितना कारगर है या भारत बंद कितना सफल नज़र आ रहा है? पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो काफ़ी गलत है हमारे लिए। दिन बर दिन दाम बढ़ता जा रहा है पेट्रोल का, जो कि आम इंसान के लिए काफ़ी तकलीफ़ वाली बात है, इसे कम होना काफ़ी ज़रूरी है। क्या ये भारत बंद सफल नज़र आ रहा है?
जी नहीं, भारत बंद ये इनको सफल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमने और भी कई लोगों से हम बात करते हैं जो अब आम जनता ही बताएगी ये कितना सफल है। आइए हम देखते हैं दूसरे लोगों से और बात करते हैं। सब आधा तो है ही, पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहा है। पेट्रोल का, हाँ पेट्रोल तो वो पेट्रोल का भाव हमेशा अभी फिर 40 पैसा बढ़ा दिया, लेकिन गलत है, बहुत गलत हो रहा है। ये पब्लिक का भी सोच है, ये सरकार के क्या पब्लिक का सोच है? पब्लिक के एकदम गुस्साए हैं कि पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, इसलिए सब परेशान है पब्लिक, जनता जो है। तो हम तो यही सोच रहे हैं सर कि जो बढ़ा रहे हैं वो पार्टी नहीं आना चाहिए। अब महंगाई तो उस समय भी थी, जिस समय पूर्व सरकार थी उस समय पेट्रोल का भाव 80 रुपये हो चुका था पहले भी। ये तो बाद में सरकार आई ना, उसके बाद फिर रेट कम हुआ है, लेकिन फिर बढ़ते जा रही है, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बस शासन को भी ध्यान देना चाहिए, रेट नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। व्यापार फर्क पड़ा है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई की वजह से हम लोग धंधा क्या है, बिजनेस करते हैं, फेरी में जाते हैं, फिर भी धंधा होता नहीं है। हाँ पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा, बंद का असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ गई है। लाभ तो खैर नहीं है, बाकी क्या थोड़ा असर पड़ रहा है महंगाई का। कोई सफल नज़र नहीं आ रहा है, बंद कराने से क्या विकल्प निकलेगा? बंद कराना है, ऑफिस बंद कराओ, गवर्नमेंट के ऑफिस बंद कराओ, और गवर्नमेंट का काम में बाधा डाल रहा हो, व्यापारियों क्यों बाधा डाल रहा हो आप? नुकसान तो है ही है, लेकिन जिस हिसाब से पेट्रोल रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बंद होना बहुत स्वाभाविक है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इतना ज़्यादा पेट्रोल का भाव नहीं होना चाहिए, वाकई में बंद सक्सेस है। अब तक ये है कि बंद होने से बहुत प्रभाव पड़ा है, और ये हमारे पीएम जी को समझना चाहिए, इतनी महंगाई के कारण हम लोग कहीं भी यानी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसमें, तो महंगाई को रोक लगाई जाए, नहीं तो आम जनता जो है बहुत परेशान हो रही है उसमें। अननेसेसरी बिजनेस नुकसान, सारी चीज़ नुकसान, 20 पैसे पेट्रोल भरने बढ़ जाएगा 20 पैसा, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इंटरटेनमेंट के लिए लाखों खर्च कर देंगे, हज़ारों खर्च कर देंगे, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 20 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो उससे उनको उनका टाइटैनिक जहाज डूब जाएगा। उससे ये फिजूल की चीज़ें हैं और अननेसेसरी बिजनेस को नुकसान है और कुछ नहीं। ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, और क्या करें। जनता को नुकसान है, व्यापारी को नुकसान है, और इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा बताओ? आम जनता को भी फायदा होगा, कुछ तो डिस्काउंट होगा, हड़ताल हो रहा है तो भाई। हमने कई वाहन चालकों से बात की, कई व्यापारी इनमें शामिल हैं, कई लोगों से हमने बात की, पर असर जो है मिला जुला असर हमें दिखाई दिया। कई किसी ने कहा कि ये सही है और किसी ने कहा ये सही नहीं है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर कितना अमल करती है या इस बंद का असर राजनीतिक गलियारे में कितना हो सकता है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य। और वक्त हो चला।